अच्छा स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप सीख रहे हैं आज हम स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर किस तरह से इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहले HTML का कोड करेंगे एंड देन जावास्क्रिप्ट के साथ उस सारे कोड को प्रोसेस करा लेंगे और आउटपुट इसका हम ले लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे H1 ले लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। यहाँ पे हमने लिख लिया स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। इसके बाद हमने इसको ब्राउजर पे भी साथ साथ चेक करते रहना है। तो यहाँ से हमने इसको प्रीव्यू एक्सप्लोर कर लिया एंड देन राइट बटन दबा के हमने यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे गूगल क्रोम पे ले गए एंड फिर यहाँ पे ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैंने थोड़ा इसको अलग कर लिया, इससे मिनिमाइज कर दिया, क्लिक किया यहाँ पे और ये इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कैलकुलेटर बनाना है तो फिर हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं H1 करके डिटेल्स मार्क्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्कशीट डिटेल्स, ओके आ गया लिखा हुआ मार्कशीट डिटेल्स। और यहाँ पर हमने नीचे आके फिर वही इस तरह से करते हैं कि जैसे एक पैराग्राफ ले लिया हमने और इसके अंदर हमने पहले लिख लिया कि स्टूडेंट नेम लिख लिया। तो यहाँ पे हमने ले लिया कैंडिडेट नेम और यहाँ पे इनपुट ले लिया। इनपुट में नाम हम सबके बाद में फिर सेट करेंगे। तो ये देखें इसके आगे एक इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। आसान तरीका तो ये है कि हम सबको यहीं से कॉपी करें और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट करते जाएं जितने सब्जेक्ट ऐड करने हैं। और उसके बाद जो है कैंडिडेट नेम के बाद जो है इसका यहाँ पे हम सब्जेक्ट के नाम लिख लेते हैं। सपोज टू बी के सब्जेक्ट हम कंप्यूटर की ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया एक सब्जेक्ट वेब डिजाइनिंग DSIG INIG डिजाइनिंग। यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट ले लिया प्रोग्रामिंग ले लिया हमने। दूसरा हमने एक सब्जेक्ट ले लिया इसमें जो कि ग्राफिक्स। और तीसरा हमने सब्जेक्ट ले लिया, चौथा सब्जेक्ट ले लिया हमने फोटो एडिटिंग। और अभी ऐड करना है तो हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड करके एंटर करेंगे और वो उसको हम यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। आई थिंक सो निकल गया, उसमें से कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने ले लिया ऑफिस ऑटोमेशन, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हमारे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस इसके सामने बने हुए आ गए। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि भाई इसका एक प्रोसेस का बटन होगा, तो हम पहले यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। बटन बना के उसके अंदर हम एक इवेंट कॉल करेंगे जिसका नाम होगा ऑन क्लिक। ये ऑन लोड नहीं बल्कि ऑन क्लिक इवेंट। तो ये ऑन क्लिक क्या काम करेगा इवेंट, कि हमारे उस फंक्शन को रन करेगा जो कि क्लिक करने पे रन होगा। बटन के आगे हम लिखेंगे सपोज टू बी प्रोसेस, तो इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिख दिया प्रोसेस। तो ये प्रोसेस उस पर इस तरह से शो हो रहा है। अब इसका बनाएंगे हम आउटपुट, तो आउटपुट इसके बाहर आके बना रहे हैं। और यहाँ पे हमने फिर से एक ले लिया सपोज टू बी आउटपुट बनाने के लिए H1 लिख लिया और यहाँ पे हम कह रहे हैं डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो नहीं सॉरी, यहाँ पे हम इसका लेंगे टोटल मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स आ रहा है और टोटल मार्क्स कहाँ शो होना है वो बताएंगे हम कि भाई टोटल मार्क्स कहाँ शो करना है। मैं इसी के आगे शो कर देता हूँ टोटल मार्क्स। तो एक स्पैन ले लिया, स्पैन लेके इसके आगे यहाँ पे हम शो करेंगे टोटल मार्क्स जो यहाँ पे नजर आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं H1 कॉपी करके फिर दोबारा से नीचे ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं इसकी परसेंटेज, और परसेंटेज लेके इसके आगे हम यहाँ पे दिखाने वाले। तो यहाँ पे मैं 1% का साइन ऐसे ही लगा देता हूँ ताकि आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा टोटल मार्क्स परसेंटेज। और उसके बाद हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, ग्रेड। तो ग्रेड भी कहाँ दिखाएंगे, इसकी क्या आगे इसके ग्रेड दिखा देंगे। तो यहाँ पे इसका ग्रेड भी शो कर देगा जैसे हम डेटा डालेंगे, तो वो यहाँ पे ग्रेड को शो कर देगा। उसके लिए मैं XXX शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि भाई अब इसको जावा, ये तो HTML का काम हो गया, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे काम करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे देखें सबके IDs दिए हुए हैं, तो IDs को हम पास कर लेते हैं कि कौन कौन से डेटा हमें लेना है। तो देखिए कैंडिडेट का तो हमें डिस्प्ले करना ही नहीं है नाम, लेकिन अगर कैंडिडेट का नाम डिस्प्ले नहीं करेंगे तो डिस्प्ले कराना चाहिए, और सब्जेक्ट के डेटा भी आउटपुट पर लेने चाहिए क्योंकि वही आउटपुट फिर सारा नज़र आएगा। चलें उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें तो आ गई हैं, इसके साथ हम ये ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैंडिडेट नेम जो इंटर किया जा रहा है उसके आगे कैंडिडेट नेम शो कराया जाएगा। तो उसके आगे भी एक स्पैन ले लेते हैं और स्पैन के अंदर यहाँ पे नेम दिखाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे XXX लगा देता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4 और एक और सब्जेक्ट है हमारा, 5 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। तो कैंडिडेट नेम के बाद यहाँ पर जो हमने लेना है फिर वो सब्जेक्ट का नाम लेना है कौन सा, पहला वेब डिजाइनिंग वाला है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इनको और कॉपी करके यहाँ पे ले जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसको प्रोग्रामिंग को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और उसको ले जाके मैं इसके नीचे पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ से जो है एक प्रोग्रामिंग का ले लिया और उसको ले जाके मैं ले लिया था। अच्छा, उसके बाद फोटो एडिट ग्राफिक्स का ले लेता हूँ और यहाँ से ले जाके इसको ग्राफिक्स वाले सेक्शन पर पास कर देता हूँ। और यहाँ से फिर मैं इसको फोटो एडिटिंग का ले लेता हूँ और फिर इसको कॉपी करके इसको यहाँ पर ले जाके इसको पास कर देता हूँ। ठीक है,
और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ऑफिस ऑटोमेशन का ले लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमारा आउटपुट भी इस तरह का बन गया। अब यहाँ पे ये डेटा शो होगा जो हम इस पर डालेंगे। अब डेटा कैसे आएगा, सबसे पहले देखें आईडीज़ को प्लेस करना शुरू करेंगे। इनपुट लेते वक्त जो आईडीज़ हमें चाहिए वो चाहिए, सबके लिए चाहिए, अब इसके लिए भी चाहिए, उसके लिए भी चाहिए। तो हम इनको से ले लेते हैं सी के साथ सबको नाम दे देते हैं, या आई के साथ ले लेते हैं, आई सी एन, मतलब आई इनपुट कैंडिडेट नेम, आई वेब डिजाइनिंग, आई पी प्रोग्रामिंग, आई जी, आई पी ई, ठीक है, फोटो एडिटिंग, और आई ओ ए, आई ओ ए, ठीक है, ये हमने ले लिए इसके ऊपर सारे। इसी तरह से आउटपुट के लिए भी हम यहाँ पे आईडीज रखेंगे स्पैन के ऊपर, तो आईडी इक्वल टू डबल कोटेशन सब में ऐड करना पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट भी है वीएस कोड के अंदर, कंट्रोल सी किया मैंने, सब में ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, स्पेस दिया। अब यहाँ पर आपने ऑल्टर को होल्ड करना है, ठीक है, क्लिक करते जाए, ऑल्टर को होल्ड रखें, हो गया सारा सेलेक्ट हो गया, ये रह गया। अब एक स्पेस दबाएं, कंट्रोल वी कर दे, तो सब पर ये एक साथ ही पैस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी आईडीज को हमने ले लिया, अब यहाँ पे इनकी आईडीज के नाम रख लेते हैं। अब चले आउटपुट है ये, तो आउटपुट के लिए हम कैसे आईडीज रखेंगे इसके ऊपर, ओ, ठीक है, ओ सी एन, ठीक है, ओ डब्ल्यू डी, ठीक है, ओ पी, ओ जी, ओ पी ई, ओ ए, ओ ओ ई, ठीक है, और यहाँ पर ओ टी एम, ओ पी, और यहाँ पे ले लिया हमने ग्रेड के लिए, इस पर ऐड नहीं किया था आई डी, आ गया था ओ ओ जी, फिर उसका भी है ना, ओ जी डी कर देते इसको, ठीक है, ये ओ जी इसका भी, ग्राफिक्स का भी है, तो यहाँ पे ये इसका हमने सारा काम कर दिया। अब चलते हैं स्क्रिप्ट का टाइप करेंगे। अब मर्जी आपकी, जावा स्क्रिप्ट का टाइप नीचे कर लें या फिर आप अलग से एक फाइल लेके उस पर कोड कर दें स्क्रिप्ट का। तो स्क्रिप्ट का टैग लगा लिया हमने यहाँ पे और यहाँ ले लिया। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखेंगे और उसका नाम रख देते हैं मार्क्स कैल्क, ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। और यहाँ पे क्लिक, दो ब्राउन ब्रैकेट लगाए, दो बॉडी बना दी, इसलिए आ गया। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, सबसे पहले हम जाके यहाँ पर ही यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कॉल करके इसको हम कॉल करेंगे बटन के ऊपर। तो ये बटन का ऑन क्लिक इवेंट इधर पेस्ट कर दिया, चेक कर लेंगे कि ये कॉल हो रहा है या नहीं, यहाँ पे क्लिक करके फंक्शन पे। अब यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं फंक्शन हमारा काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, या देखिए आई डी लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिख देते हैं, और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। अगर हमारा आउटपुट आ गया इसका मतलब हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया और अभी कुछ भी नहीं आ रहा, प्रोसेस पे क्लिक किया तो देखिए लिखा गया टेस्ट फंक्शन, इट मीन्स के फंक्शन काम कर रहा है, दैट्स ऑल। तो यही हमें चेक करना था, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम वैल्यूज को इनपुट लेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लेट लिख के एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब वेरिएबल भी इस तरह से लेते हैं, सबके लिए वेरिएबल के लिए वी लगाएंगे, तो वी सी डी, ठीक है, और असाइनमेंट लगाएंगे आगे, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, तो कौन सी आई डी से हमें लेना है एलिमेंट बाय आई डी, कौन सी आई डी से लेना है, तो इसका पहले हम रॉ बना लेते हैं। तो इनर एच टी एम एल नहीं बल्कि वैल्यू से डेटा लेंगे, तो वैल्यू लेंगे आगे और यहाँ सेमी कॉलन लगा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे दो सिंगल कोट लगाएंगे, अब यहाँ पे आई डीज के नाम लिख जाएंगे, तो ये यहाँ पे इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सी कर रहे हैं, कितने हैं, दो तीन चार पाँच छः, तो टू फोर सिक्स सेवन, एक ज़्यादा हो गया आई थिंक, सो इसको हटा देते हैं एल बी सी डी से। अब इस तरह इसको यहाँ लिखेंगे जहाँ हमने लिखा है वेरिएबल कैंडिडेट टेम, तो वेरिएबल वेब डिजाइनिंग, वेरिएबल प्रोग्रामिंग, वेरिएबल ग्राफिक्स, वेरिएबल फोटो एडिटिंग, वेरिएबल ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है, ये हमने इस तरह के वेरिएबल बना लिए ताकि हमें आसानी रहे। वैसे हम वार वन, वार टू, वार थ्री, वार फोर, वार सिक्स भी बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा उसके नेविक के हवाले से मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्योंकि नाम अपने हिसाब से रखे हैं तो हमें आईडीज वैसे ही याद होंगी जैसे उसका रखा था कैंडिडेट का, तो यहाँ पे सिर्फ आई सी डी, ठीक है, उसका क्या रखा था आई डब्ल्यू डी, तो इसका हो जाएगा आई डब्ल्यू डी हो जाएगा, और इसका क्या रखा है वीपी रखा है आई पी हो जाएगा, शाबाश। और फिर इसके बाद यहाँ करेंगे आई जी हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे कहाँ से आईडी आ रहा है आई पी ई, और यहाँ पे आ जाएगा आई
हाँ, इस तरह से आपकी जो प्रोग्रामिंग जो है ना आसान हो जाती है, फिर आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि डेटा खुद ही आपके पास आ रहा होता है। अब ये सारा डेटा इधर आ जाएगा तो हमने इनको सबको फिर एक वेरिएबल ले लिया लेट, और यहाँ पे हमने कर दिया टी टोटल टोटल के नाम से, और सबको प्लस कर देना है किसको, तो सबसे पहले लेंगे वी डब्ल्यू डी प्लस और वी पी प्लस और वी जी प्लस वी पी ई प्लस और वी ओ ए वी ओ ए और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने कल मल्टीप्लाई भी किया था और यहाँ पे आज हमने इसका टोटल भी ले लेना है। अब इसको जब टोटल कर दिया तो अब हम इसकी परसेंटेज बनानी है, तो लेट लिखेंगे यहाँ पे, पी आर लिखेंगे, असाइनमेंट लगाएंगे और पी ई आर के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और उसमें हम क्या करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे टी ओ टी एल टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये पांच सब्जेक्ट हैं तो डिवाइडेड बाय 500। यहाँ पे हमने इसका परसेंटेज का भी मामला सेट कर दिया, तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, ये इसका एक प्रोसेस बन जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट डालें बीच के अंदर, और टेस्टिंग के लिए यहाँ पे टोटल वाला वेरिएबल डाल दें, और उसके साथ जो है अगर आउटपुट अगर उसका सही आ रहा है तो नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आके इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हम पहले कुछ डेटा डालते हैं, कोई भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, तो फंक्शन हमारा काम नहीं कर पा रहा, तो चले इसको चेक करते हैं। यहां से गए हम कंसोल के अंदर, इंस्पेक्ट किया पहले हमने अपने कोड को, इंस्पेक्ट के बाद कंसोल में गए, तो कंसोल में एक एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज स्टूडेंट मास कैलकुलेटर ऑनलाइन 79 रीडिंग वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे जाते हैं 78, इसको नहीं मिला है, ये देखिए ICN है, ये ICD लिख दिया हमने, इसलिए यहां पे देखिए हमें एरर पहले इसने बता दिया। रिफ्रेश करते हैं कोड को, दोबारा से रिलीज करते हैं और फिर डालते हैं यहाँ पे अपना नया डेटा, और यहाँ पे चेक करते हैं प्रोसेस, तो सबको इसने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया, कॉन्कटेनेट कर दिया है। कॉन्कटेनेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इसको कंसीडर कर रहा है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे पार्स इंट नाम का एक फंक्शन है वो यूज करेंगे जो इन वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, तो पार्स इंट और इसके ब्रैकेट में डालते जाएंगे हम इन सबको। ठीक है, सेम इस पे करेंगे पार्स इंट, क्यों कर रहा है इसको, इसका ब्रैकेट और इसके ब्रैकेट में हम डालेंगे इसको, ठीक है, तो ये सारे अपने इसमें डाल दिए। अब देखते हैं, जरा बैक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे जाके वैल्यूज को पुट अप करते हैं, तब इसका टोटल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम सही हो गया। अब इस तरह परसेंटेज को भी चेक कर लेते हैं, पी ई आर लिख लेते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पर परसेंटेज भी सही आ रही है, बिल्कुल सही काम जा रहा है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये चीज कर लिया। अब ये तो हमारा काउट हो गया, फिलहाल इसको हम डिसेबल कर देते हैं, फिर टेस्टिंग करेंगे। अब हमें क्या बनाना है इसका, हाँ ग्रेड तो बनाना है, लेकिन उससे पहले इसका आउटपुट भी बनाना है, आउटपुट बनाना है, ये सारा डेटा आउटपुट तो करता है हमें, तो आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए पहले कोड लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे लगाएंगे दो सिंगल कोट्स, डॉट इनर एचटीएमएल लिखेंगे हम आगे, और इनर एचटीएमएल में एक करेंगे कंडीशन, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें पता है सबके नाम हमने रखे, ओ कैंडिडेट नेम ओ सी एन, ठीक है, उस पर आउटपुट आएगा, और इस पर जो वेरिएबल यूज होने वाला है वो हमने रखा है वी सी एन, ठीक है, कैंडिडेट नेम वी सी डी रख दिया इसमें नाम, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, वी सी एन कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर पहले कर दिया मैंने, चलो कॉपी करके इसी को चेंज कर लेंगे, फिर बाद में पेस्ट कर लेंगे सारा आउटपुट बना लेंगे। तो ओ सी एन के बाद है वेब डिजाइनिंग, ओ वी डी ओ डब्ल्यू डी
और इसका वेरिएबल है वी डब्ल्यू डी, और तीसरे वाले का वेरिएबल है ओ पी और इसका है वी पी, चौथे वाले का है ओ पी ई और इसका है वी पी ई और इसका है ओ जी और इसका हो जाएगा वी जी और इसका हो जाएगा ओ ओ ए और इसका हो जाएगा वी ओ ए। ये इसका आउटपुट बन गया। इसके लिए हमें थोड़ा सा और चाहिए टोटल दिखाने के लिए। तो टोटल का हमने रखा था टोटल मार्क्स ओ टी एम, और यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो टोटल के अंदर ही है, तो यहाँ पर टोटल वाला वेरिएबल आउटपुट पर डाल देंगे। और यहाँ पर एक और रखेंगे ओ परसेंटेज ओ पी, ओ पी परसेंटेज वाले का क्या नाम रखा था उसको देखते हैं जरा ऊपर जाके, ये देखिए गलत हो जाएगा ना, ओ पी ऊपर भी एक का है तो ओ पी ई कर देते हैं इसको, ठीक है परसेंटेज वैसे हो जाएगा, सही हो जाएगा ओ पी ई, तो ओ पी ई ऊपर भी है, अच्छा वो उसका सही था ओ पी ही सही है इसका, ठीक है ना, तो ओ पी कर देते हैं इसको, हाँ ओ पी टी कर देते हैं फिर इसको, ठीक है ओ पी टी कर देते हैं और ओ पी टी इधर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो हमारे पास परसेंटेज का पी ई आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब ग्रेड का हम बनाएंगे, पहले इसका देखें आउटपुट सही आ रहा है, तो रिफ्रेश किया हमने प्रोग्राम को और यहाँ पर डेटा डाला अली और यहाँ इसका 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 प्रोसेस और प्रोसेस किया डबल क्लिक करके, तो ये देखिए सारा डेटा इसके सामने इजीली आ गया, परसेंटेज भी आ गई। अब रह गया ग्रेड, ग्रेड का इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इफ कंडीशन का, जो कि हम फिर इसमें लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इफ का यूज कैसे करते हैं, इसमें इफ कंडीशन बताएंगे और उसके ब्रैकेट बताएंगे, ठीक है। आप कहेंगे इफ चेक करें पी ई आर को ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से है, सपोज टू बी हम करेंगे 90 से इक्वल या अबव है, तो क्या करना है एंड डबल कोट डबल ऑपरेटर लगाएंगे, यानी कि यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चेक करेगा डबल चेक, और कहेंगे पी ई आर को चेक करें अगर वो ये ग्रेटर देन है लेकिन लेस देन और इक्वल टू है 100 के, तो इस कमांड को प्रोसेस करना है। अब कमांड क्या है हमारी, कमांड ये लिया हमने यहाँ से, यहाँ पे रखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाली, तो ग्रेड वाला हमने कहाँ दिखा रहा है यहाँ पे ग्रेड की इसका रखा ओजीडी, ठीक है। तो ओजीडी पे हमने इसका आउटपुट लेना है और क्या दिखाना है वहाँ पे, वहाँ पे एक स्ट्रिंग शो कर दें कोई भी, जैसे डबल कोट करके, यानी कि ए वन ग्रेड ग्रेड ए वन, ठीक है ये हमने यहाँ पे शो कर दिया इस तरह से, और ग्रेड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है बस ए वन दिखा देते, ठीक। तो यहाँ पे ये ए वन इस तरह से दिखाई देगा ए वन, तो उसके बाद ये इफ का कंडीशन हो गया। अब चाहे तो हम ऐसे बार बार ब्लॉक बना लें इफ के तो भी ठीक है, ऐसा हो जाएगा काम, और अगर हम चाहें तो एल्स इफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे कर लें। तो हम दो दफा ब्लॉक बना लें, 3 4 5 जितने ग्रेड्स बनाने, सब में सिर्फ चेंजेस ये होंगी कि ये 90 से क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल हटके क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। बस हम ये सब में इस तरह से करते जाएंगे, तो यहाँ 80 को फिर क्या कर देंगे 70 कर देंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे 60 कर देंगे, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे 50 कर देंगे, और फिर यहाँ पे इसको चेंज करते जाएंगे और इसको हम करेंगे 80 और यहाँ पे क्या कर देंगे इसको 70 कर देंगे और यहाँ पर हम इसको 60 कर देंगे, ठीक है। एक और दफा ले लेते हैं 40 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 50 कर देंगे, ठीक है। और एक और दफा करेंगे यहाँ पे, और उसमें हम इसको सिंपली कर देंगे कि सिर्फ यहाँ पे कहेंगे लेस देन, अगर 40 से भी बिलो हो जाए तो क्या कर देगा इसको फेल करना है इसको, तो ये इस तरह आ गया। अब यहाँ पे इस तरह से ग्रेड में डाल देंगे आप चेंजेस, तो यहाँ पर आपका ए था तो यहाँ क्या कर देंगे ए कर देंगे, यहाँ बी कर देंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे सी कर देंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे डी कर देंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे ई कर देंगे, यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे लास्ट में फाइनली या ट्राई अगेन कर देते हैं इसको, फेल नहीं करते, ठीक है, यहाँ ट्राई अगेन की एंट्री कर देंगे। तो ये हमारा इसका ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया, और सब पे एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट चलेगी, सारी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, जो ब्लॉक कन्फर्म होगा वही चलेगा। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं अपने कोड को, चले चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट का नाम डाला हमने अर्जुन, और यहाँ पे उसके स्कोरिंग को हमने करना शुरू किया, और यहाँ पे डाल के हमने इसको क्या किया प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें आ गई, और ग्रेड्स का क्या बन रहा है ए 83% पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज इसकी चेंज करते हैं, और यहाँ से प्रोसेस करते हैं, तो अब देखिए क्या हो गया इसका ग्रेड। तो इस तरह से देखेंगे हमने जावास्क्रिप्ट से एक वेब पेज के ऊपर अपनी स्टूडेंट मास कैलकुलेटर एप्लीकेशन को कंप्लीट कर दिया।